गुलबर्गा शहर में मौजूद बॉम्बे मेडिकल का एक और ब्रांच MSK मिल ग्रीन सर्कल पर ओपन हुआ है और इसके साथ यहां पर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में किड्स केयर क्लिनिक भी ओपन किया गया है। MSK मिल ग्रीन सर्कल के आसपास चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कमी को महसूस कर मेडिकल के साथ यहां क्लिनिक ओपन किया गया है। इस मौके पर बॉम्बे मेडिकल का इनॉग्रेशन डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनेदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब के हाथों किया गया है और किड्स केयर क्लिनिक का इनॉग्रेशन गुलबर्गा साउथ MLA आलमप्रभु पाटिल के हाथों किया गया है। किड्स केयर क्लिनिक में डॉक्टर MF पटेल की निगरानी में चिल्ड्रंस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। MSK मिल आवाम अपने बच्चों के हेल्थ इश्यूज के लिए किड्स केयर क्लिनिक को विजिट कर सकती है और मेडिकल सर्विस में पिछले 35 सालों से गुलबर्गा शहर में बॉम्बे मेडिकल अपने बेहतरीन सर्विस देते आ रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनके ब्रांचेस भी मौजूद हैं। इस इनोग्रेशन के मौके पर सिराज बाबा जुनेदी साहब MLA आलमप्रभु पाटिल के अलावा सज्जाद अली इनामदार फारूक मनियाल साजिद कल्याणी असलम बाजे एजाज अली इनामदार रजाक सेठ इमरान रजवी और दीगर कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर सोशल एक्टिविस्ट और MSK मिल इलाके के जिम्मेदार यहां मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने बॉम्बे मेडिकल के ओनर्स को मुबारकबाद पेश कर आवाम से शिरकत की गुजारिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहां बॉम्बे मेडिकल और किड्स केयर हॉस्पिटल के इफ्तिताह के ज़मन में जमा हुए हैं जिसमें MSK मिल के मशहूर मारूफ शख्सियात भी यहाँ पर शामिल हैं। बॉम्बे मेडिकल स्टोर गुलबर्गा का कदीम तरीन स्टोर्स हैं। इनके जो है गुलबर्गा में मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और यहाँ पर भी एक ब्रांच ये हजरात हमारे हाफिज़ अजहर साहब और मौज़म साहब और उनके बरादरान यहाँ पर क़ायम कर रहे हैं। साथ में जो है यहाँ के तकाज़े के मुताबिक जो है किड्स केयर हॉस्पिटल यानि बच्चों के हॉस्पिटल का भी यहाँ आज इफ्तिताह अमल में आ रहा है जिसमें तजुर्बेकार डॉक्टरों का इन्होंने इनेखाद किया है तकरूर किया है। तो इंशाल्लाह इस एरिया के लिए MSK मिल और अतराफ व अकनाफ के लिए बच्चों के इलाज मालिजे के लिए बड़ी सहूलत यहाँ पर फ्राहम की जा रही है। बहरहाल मैं हाफिज़ अजहर साहब और मौज़म साहब को आज के इस इफ्तिताही तकरीब में दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए और रिस्क हलाल की नेमत अता फरमाए। दिलावर मेडिकल साहब मैं बहुत खुशी से ओपनिंग करे हूं। क्या बोले तो आजकल ये मोहल्ले में बहुत ज़रूरी है। ये पीडिशन का आजकल बच्चे का हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरत है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल चाइल्ड हॉस्पिटल दरंगा में, इसलिए इधर हमारे फहीम डॉक्टर फहीम साहब उनके भाई मिलके मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल निकालने से बहुत खुशी खुशी से हम पूरे लोग कितने लोग आए थे इतने, हम भगवान उनको लंबी उम्र दे अच्छी तरह से हॉस्पिटल चले दो, लोगों को कम इसमें हेल्प होता भगवान भी उसका अच्छे आशीर्वाद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत शेख शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनेदी साहब आज यहाँ मदीना कॉलोनी में ग्रीन सर्कल पर बॉम्बे मेडिकल वालों का एक ब्रांच बॉम्बे मेडिकल और एक किड्स केयर हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ है। इस मौके पर साहेब यहाँ पर आए हैं। साहेब को सारे हिंदुस्तान के जुनेदिया कबीले का शेख एक कबीर खिताब मिलने पर बड़ी फख्र महसूस करते हैं। सारे शहर के शहरियान जो है ना बड़े फख्र महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मैंने मेरे तरफ से और इनामदार फैमिली की तरफ से साहेब को मैं साहेब के खिदमत में गुलाए अकीदत पेश किया हूँ। अल्लाह ताला साहेब को जन जन सारी दुनिया में जिस तरह उनके नाम का शमा रोशन हो ये कहते हुए अल्लाह ताला से दुआ है। अल्लाह ताला आपसे और ज्यादा से ज्यादा इन्हें दीनी काम ले और हम सब उनके क़यादत में उनके सरपरस्ती में दीन के रास्ते पर चले। अल्लाह हाफिज। आज यहाँ पे ग्रीन सर्कल मदीना कॉलोनी में पीडियाट्रिशियन एक क्लिनिक ओपन हुआ है, बिल्कुल ग्रीन सर्कल पे चौक पे है और बिल्कुल उसके बाद जो बॉम्बे मेडिकल जो एक मशहूर मेडिकल है गुलबर्गा शहर में, हर तरफ उनके ब्रांचेस है मेडिकल्स है। मैं तमाम आवाम के जो व्यूवर्स है जो जलालाबाद की आवाम है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक पीडियाट्रिशियन MBBS DCH जो स्पेशलिस्ट है चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे शायद मैं समझता हूँ MSK मिल में एक फर्स्ट है। डॉक्टर फहीम पटेल साहब बोल के अच्छा हैंड है, आप एक बार आके बताइए। इंशाल्लाह अल्लाह इनके हाथों में शिफा दे डॉक्टर साहब के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज MSK मिल में ग्रीन सर्कल पर किड केयर क्लिनिक पीडियाट्रिशियन का क्लिनिक का हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। ये यहाँ पर एक ज़रूरत थी पीडियाट्रिशियन की MSK मिल में,
यहाँ पर मदीना कॉलोनी में, वो आज बॉम्बई मेडिकल जो पिछले 25 सालों से गुलबर्गा में सर्विस देते आ रहे हैं उन्होंने पूरा किया है। उसी तरीके से बॉम्बई मेडिकल का भी एक ब्रांच यहाँ पे ग्रीन सर्कल पे खोला है। मेरे दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी से अच्छी सर्विस कम रेट में आवाम को दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। आज खुशी का माहौल है और मसरत है ग्रीन सर्कल मदीना कॉलोनी MS के मिल गुलबर्गा में। एक मशहूर और मारूफ हस्ती जो सैयद हाफिज मजहर अली बॉम्बे मेडिकल के ओनर 30 साल से अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं दरगाह एरिया स्टेशन रोड पे। आज एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने यहाँ ग्रीन सर्कल मदीना कॉलोनी में एक क्लिनिक का इफ्तिताह किया है। किट केयर और मेडिकल बॉम्बे मेडिकल एंड जनरल स्टोर का इफ्तिताह हुआ है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि महल्ले वालों से डॉक्टर MF पटेल जो मशहूर पीडियाट्रिक डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है, जो इनकी सर्विस बहमनी हॉस्पिटल और दरगाह एरिया में है, वो अपना कीमती वक्त देकर आपके इस महल्ले में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज MS के मिल ग्रीन सर्कल मदीना कॉलोनी में एक अजीमुशान इफ्तिताह अमल में आया। बॉम्बे मेडिकल का एक ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ओपन किया है और इस ओपनिंग से पहले पूरे एरिया का जायज़ा लिया गया और उसमें एक बात हमने शिद्दत से महसूस की कि एक अच्छा क्वालिफाइड प्रोफेशनल, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर की काफ़ी कमी किल्लत यहाँ पे महसूस हो रही थी, तो हमसे मुत्तसिल एक क्लिनिक किड्स केयर के नाम से डॉक्टर MF पटेल MBBS DCH इंशाल्लाह यहाँ पे रोज़ाना अपनी खिदमत अंजाम देंगे। उनके टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और शाम में 7 बजे से 10 बजे तक। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे माहिर और तालीमी याफ्ता तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया और गुलबर्गा साउथ MLA अलम परवूर पाटिल साहब ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तकरीब रही और काफ़ी अच्छी आवाम ने शिरकत की। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में 10 बार दुआ हूँ अल्लाह इस कोशिश को कामयाब फरमाए। हासिदीन के हसद, जालिमिन के जुल्म और दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।